फ्रेंड, आज की शुरुआत मैं अपने गार्डन के कुछ फ्लावर से कर रही हूँ। मेरे गार्डन में जो क्लैंचो है, क्लैंचो फ्लावरिंग कर रहा है। आज का मेरा टॉपिक है कैलेंडुला। आज मैं कैलेंडुला पे बात करूँगी और अपने गार्डन का ओवरव्यू भी आपको दे रही। जो मेरे गार्डन में फ्लावर्स ओपन हो गए उसको मैं आपको दिखा रही। पैंसी अभी फरवरी मंथ चल रहा है और ये सालविया भी मेरा ब्लूमिंग पे है। दो कलर के ऊपर सालविया है। ये मेरा कैलेंडुला का सीड है। आज का मेरा टॉपिक है कि मैं कैलेंडुला को सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं। और मैं आज अपने गार्डन में कैलेंडुला लगाना आपको बताऊंगी। ये मेरा सीड पॉट जो मैंने नेक्स्ट ईयर रेडी किया था अपने प्लांट पे, उसी से मैं आज आपको कैलेंडुला लगाऊंगी। मैंने काफ़ी सारे सीड्स कलेक्ट करके रखे हुए थे और आप देखिए मेरा सॉइल एकदम से रेडी है। काफ़ी एल्ड्रन, काफ़ी अच्छा सॉइल है। इसको मैं आज लगाऊंगी, फिर और कितना टाइम लगता है ग्रो होने में वो सब भी मैं आपको बता रही। आप भी अपने कैलेंडुला को अगर आपको है तो आप उसे सीड कलेक्ट कर लें, फिर नेक्स्ट ईयर आप उससे ग्रो कर सकते हैं। नवंबर या फिर दिसंबर में आप कैलेंडुला को सीड से ग्रो कर सकते हैं, जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। मौसम में नमी आ जाए तो फिर काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है। ज़्यादा गर्मी में इसके सीड्स फ्लावर्स नहीं खिलते। इसका विंटर प्लांट्स है। 2-4 महीने ही ये फ्लावरिंग करते हैं आपके गार्डन में। और लेकिन आप ये सीड पॉट देते हैं, आप सीड पॉट कलेक्ट करके रख लें तो नेक्स्ट ईयर आप काफ़ी इजीली कैलेंडुला को लगा सकते हैं। मैं इसको हर 2-3 साल से मैं सीड से ही लगा रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे मेरे सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो गए। देखिए मैंने अपने सारे सीड्स लगा लिए, फिर उसको हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि हमारा सीड बराबर से सेट हो जाए। इसमें देखिए इस पर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी की लेयर भी लगा दे रही। ज़्यादा आप मिट्टी ना लगाएं क्योंकि इसके सीड्स काफ़ी नाजुक होते हैं, फिर अंदर ज़्यादा मॉइस्चर पाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो आप हल्के हाथों से इसको दबा दें, फिर इसमें एक बार वाटरिंग कर दें। जब वाटरिंग कर दें तो उसके बाद आप जब इसमें छोटे छोटे से लीव्स आना स्टार्ट हो जाएं उसके बाद ही वाटरिंग करें। बार बार वाटरिंग करेंगे तो आपके सीड सारे ख़राब हो जाएंगे। कि मैंने अपने में वाटरिंग कर दी है, मैं इसको छोड़ दूंगी। जिसमें थोड़े थोड़े से लीव्स आएंगे तो फिर मैं आपको दिखा रही। देखिए 10 डेज के बाद इसमें थोड़े थोड़े से लीव्स आना स्टार्ट हो गए। हमारा बीज जो सीड है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया। 2-4 दिख रहे हैं अभी। धीरे धीरे मेरा पूरा पॉड भर जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये इधर भी छोटा सा एकदम प्लांट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये सीड की लीव्स है, इसके बाद से कैलेंडुला के लीव्स आएंगे। देखिए अभी 2 लीव्स आ चुके हैं। ये देखिए इसमें 3-4 लीव्स आ गए हैं। फिर इसको फ्लावरिंग करने में 1 मंथ लगता है। 1 या 1.5 मंथ बाद ये फ्लावरिंग करने लगेंगे। देखिए आप ये 1.5 मंथ के बाद हमारे गार्डन में कैलेंडुला के फ्लावर्स ओपन हो गए। ये फर्स्ट फ्लावर है जो ओपन हुआ, तो फिर मैंने वीडियो बना लिया। और अभी आपको मैं बर्ड्स दिखाऊंगी। मेरे काफ़ी प्लांट्स हैं और काफ़ी हेल्दी हैं, जैसे मैंने लगाया था आपको दिखाया भी था। तो फिर मैंने इसको काफ़ी सारे पॉट में रिपोर्ट भी कर दिया है और सब में बर्ड्स अच्छे अच्छे से बर्ड्स आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। जब भी आप कैलेंडुला का प्लांट्स लगाएं सीड से ग्रो करें तो जब भी नीचे की लीव्स वगैरह हों तो उसके थोड़े थोड़े से आप कट करते जाएं। आप कट कर जाएंगे ना तो फिर बर्ड्स बर्ड जल्दी बनने लगते हैं। वरना जितना एनर्जी होता है ना लीव्स ले लेते हैं तो बर्ड्स बनने में काफ़ी टाइम लगता है। देखिए इधर भी मेरा कैलेंडुला का प्लांट है, ये दूसरी वैरायटी का है। इसमें बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं। ये भी कैलेंडुला का ही है, इसमें छोटा सा बर्ड अभी आया हुआ। मैंने काफ़ी सारे लगाए हैं, सारे सीड्स ही मैंने ग्रो किया हुआ है।
अपने गार्डन में, और अगर आप इसको परचेस करेंगे तो आपको ये 30 रुपीज़ तक मिल जाएगा। अगर आप एक बार ख़रीद लेंगे तो फिर ये आपके पास हमेशा रहेगा। आप इसके सीड से काफ़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है। अगर आप एक बार लगा देंगे तो इसके फ्लावर्स 1 महीने तक आपके गार्डन में रहेंगे। देखिए इसमें 2-3 जगह से बर्ड आए हुए हैं और इसकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो भी आप फर्टिलाइज़र ऐड करते हो अपने प्लांट में उसको ऐड करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फुल वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।